फिल्मी चिड़िया प्रेजेंट्स मिनारी, ये एक कोरियन फिल्म है जो साल 2020 में आई थी और मिनारी एक ऑस्कर अवार्ड विनिंग मूवी है जिसकी आईएमडीबी पर रेटिंग 7.5 है। और ये फिल्म साल 1983 के वक्त यूएसए में रहने वाली एक कोरियन फैमिली की जिंदगी में घटी सच्ची घटनाओं पर आधारित है, जिसमें दिखाया जाता है कि एक कोरियन फैमिली जिसमें चार सदस्य हैं, मॉम डैड और उनके दो बच्चे जिनमें उनकी बड़ी लड़की है और एक छोटा लड़का भी है, जो अमेरिका के शहर कैलिफोर्निया में रहते थे मगर जिंदगी में कुछ और बेहतर अवसरों को देखते हुए ये फैमिली अमेरिका के एक छोटे शहर जिसका नाम अरकनसा है वहाँ शिफ्ट हो गए हैं, जिनमें उनके डैड का नाम जैक और मॉम का नाम मोनिका है, बेटा डेविड और बेटी एनी है। कैलिफोर्निया में ये फैमिली काफी अच्छे से जिंदगी जिया करते थे, उनके पास एक अच्छा घर था, साथ ही शहर में बच्चों के स्कूल से लेके हॉस्पिटल और सभी तरह की जरूरी सुविधाएं भी थी, मगर ये सब सुविधाएं यहाँ नहीं है क्योंकि ये एक अंडर डेवलप्ड एरिया है और अगर यहाँ कुछ विकल्प है भी तो यहाँ से काफी दूरी पर है। इस शहर में जैक ने एक जमीन ली है जो जैक अपनी वाइफ मोनिका को दिखा रहा है, जिस पर मोनिका जैक से पूछती है कि वो इस जमीन का क्या करने वाला है। तो जैक मोनिका को बताता है कि पूरे अमेरिका में इस जगह सबसे अच्छी मिट्टी पाई जाती है, इसलिए उसने ये जमीन खरीदी है ताकि वो इस जमीन पर खेती कर सके और वो यहाँ पर कोरियन सब्जियाँ उगाएंगे क्योंकि अमेरिका में कोरियंस बहुत रहते हैं, इसलिए कोरियन सब्जियों की यहाँ पर अच्छी मांग है, पर ये सब्जियाँ यहाँ पर आसानी से नहीं मिलती है और अगर हम यहाँ पे कोरियन सब्जियाँ उगाकर मार्केट में बेचते हैं तो हमें अच्छा मुनाफा हो सकता है। जिसके बाद जैक मोनिका को वही बना एक घर दिखाता है जो की एक ट्रॉली पर बना घर था, जिसे देखकर मोनिका को कोई खास खुशी नहीं होती क्योंकि कैलिफोर्निया में वो जिस घर में रहा करते थे वो इस घर के मुकाबले काफी अच्छा था। और फिर हमें यहाँ पे पता चलता है कि मोनिका और जैक के संबंध भी कुछ खास अच्छे नहीं चल रहे हैं और ना ही मोनिका कभी कैलिफोर्निया छोड़कर यहाँ पर आना चाहती थी, पर जैक की जिद के कारण उसे यहाँ पर आना पड़ा है। जिसके बाद बताया जाता है कि मोनिका अपने बेटे डेविड की हार्ट बीट चेक कर रही है क्योंकि डेविड के दिल में एक छेद है और उसी कारण से वो दूसरे आम बच्चों के जैसे दौड़ भाग या खेल नहीं सकता है। यहाँ पर डेविड और उसकी पत्नी मोनिका एक पोलिट्री फॉर्म में मुर्गी के चूजों को जेंडर के आधार पर अलग अलग करने का काम करते हैं और यही काम वो कैलिफोर्निया में भी किया करते थे, मगर इस सब में उन्हें उनके बच्चों की भी चिंता होती है क्योंकि जब वो काम पर होते हैं तो उनके बच्चे घर में अकेले रहते थे, इसलिए मोनिका अपनी माँ को भी अपने साथ रहने के लिए बुला लेती है ताकि उनके पीछे से वो उनके बच्चों की देखरेख कर सके। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जैक ने भी अब अपने खेत का काम शुरू कर दिया है और अब उसे अपने खेत और घर के लिए पानी की भी जरूरत है, पर वो पैसे बचाने के लिए सरकारी पानी के नल का कनेक्शन लेने से इनकार कर देता है क्योंकि वो नल का कनेक्शन उसे काफी महंगा लगता है। और फिर जैक कहता है कि मुफ्त के पानी के लिए हम फालतू में पैसा क्यों बर्बाद करें, और फिर वो एक गड्ढा खोदकर एक ट्यूबवेल वहां पर लगा देता है जिससे उसे पानी मिलने लग जाता है, वो भी बिना पैसे खर्च करे, और मुफ्त का पानी पाकर जैक काफी खुश भी हो जाता है। और फिर जैक से मिलने वहां पर पॉल आता है, पॉल जैक का पड़ोसी है और वो पहले एक फौजी था, और वो पॉल से कहता है कि वो भी खेती में उसकी मदद करना चाहता है, और देखते ही देखते पॉल और जैक काफी अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं और अब पॉल भी जैक के साथ खेती में उसकी मदद करने लगता है। और फिर बच्चों की नानी को दिखाया जाता है जिनका नाम सूजा है, हालांकि डेविड सूजा को पसंद नहीं करता है मगर उनकी नानी यानी कि सूजा बच्चों का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखती है और वो रोज डेविड को मिनारी जो कि एक पौधा है उसका बनाया एक काढ़ा पिलाती है, मगर डेविड को वो काढ़ा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और फिर देखते ही देखते अब उन सबकी जिंदगी एक बार फिर से पटरी पर आती दिख रही थी और फिर दिखाया जाता है कि अकेले में बच्चों की नानी बच्चों के साथ गेम्स खेलती है और वो उन्हें अपने साथ घर के पास बनी एक छोटी सी नहर पर भी लेकर जाती है जहाँ वो मिनारी का पौधा लगाती है और बच्चों को बताती है कि ये पौधा घास जैसा दिखता है और ये एक बार लगाने के बाद खुद ब खुद ही फलता फूलता है और इस पौधे में कई औषधीय गुण भी है। जिसके बाद बताया जाता है कि अब जैक की लगाई फसल भी उगने लगी है, पर अब एक दूसरी परेशानी उनके सामने आ खड़ी हुई थी और वो परेशानी थी पानी की, क्योंकि जैक ने जो ट्यूबवेल लगाया था अब उसका पानी खत्म हो गया था, जिसके बाद जैक और उसकी पूरी फैमिली को पानी की कमी झेलनी पड़ती है। मगर जैक के सेविंग्स के अब सारे पैसे भी खत्म हो चुके हैं, इसलिए जैक अब चाहकर भी पानी का सरकारी कनेक्शन नहीं ले सकता था। और फिर एक दिन जब जैक वहीं के एक लोकल वेजिटेबल डिस्ट्रीब्यूटर से कॉन्टेक्ट करता है तो वो जैक से सब्जियां लेने से इनकार कर देता है और अपना ऑर्डर भी कैंसिल कर देता है। ये वही डिस्ट्रीब्यूटर है जिसने पहले जैक को ऑर्डर दिया था और फिर जैक ने उसी ऑर्डर की बिना पर इतना बड़ा फैसला ले लिया था कि वो खेती करेगा और अब वो ऑर्डर कैंसिल हो चुका है, जिस पर जैक को बहुत गुस्सा आता है। दूसरी तरफ बताया जाता है कि डेविड और उसकी नानी सूजा के रिश्ते भी अब काफी सुधरने लगे हैं और अब डेविड भी अपनी नानी को पसंद करने लगा है क्योंकि उसकी नानी उसका बहुत ध्यान रखती है, साथ ही वो उसकी हर बात भी सुनती है और उससे अच्छी अच्छी चीजें भी सिखाती है। और फिर कहानी आगे बढ़ती है और बताया जाता है कि डेविड अपनी माँ और नानी के बीच चल रही बातों को सुन लेता है और वो वही बात कर रहे होते हैं कि डेविड की हालत काफी खराब है और उसका दिल धड़कना कभी
अभी भी बंद हो सकता है। और यही बात सुनकर डेविड काफी उदास हो जाता है और वो रात में अपनी नानी से कहता है कि वो मरना नहीं चाहता, जिस पर उसकी नानी उसे प्यार से अपने गले लगा लेती है और कहती है कि बेटा ऐसा मत सोचो, तुम्हें कभी भी कुछ नहीं होगा, और वो प्यार से उसे अपने पास ही सुला लेती है। मगर फिर सुबह दिखाया जाता है कि जब डेविड सोकर उठता है और फिर वो अपनी जब नानी माँ को उठाता है तो वो उठती ही नहीं है क्योंकि उन्हें हार्ट अटैक पड़ गया था। और ये सब कुछ शायद डेविड की चिंता में हो गया था। मगर नानी की बेटी यानी कि मोनिका अपनी माँ की देखरेख करती है और जल्दी उनकी माँ ठीक होकर अपने घर वापस लौट आती है। मगर अब भी नानी की हालत काफी नाजुक थी और अब वो कुछ बोल पाने में सक्षम नहीं थी और यह भी कोई नहीं कह सकता था कि अब वो कब बात कर पाएंगी। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जैक अपने काम में काफी व्यस्त है और अब उसे अपने काम के आगे कुछ भी नजर ही नहीं आ रहा है। जिसके अगले दिन जैक और मोनिका अपने बेटे डेविड को लेकर शहर जाते हैं डॉक्टर को दिखाने के लिए। मगर वहाँ भी जैक अपने खेत की सब्जियों का बक्सा लेकर साथ चलता ही नजर आता है। जैक की सब्जियाँ शहर के एक डिस्ट्रीब्यूटर को सैंपल के तौर पर दिखाने के लिए लेकर आया था, सिर्फ इसी उम्मीद में कि शायद वो उसकी सब्जियाँ खरीद ले और शायद उसे यहाँ से आगे और भी ऑर्डर मिल सकते थे। और अब दिखाया जाता है कि डेविड का चेकअप हो चुका है और उसके मॉम डैड हॉस्पिटल में ही बाहर बैठे हुए डेविड की चेकअप की रिपोर्ट आने का इंतजार कर रहे थे। मगर उसी दौरान दोनों के बीच काफी कहासुनी होने लग जाती है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि मोनिका अब वापस से कैलिफोर्निया में शिफ्ट होना चाह रही है क्योंकि कैलिफोर्निया में डेविड का अच्छे से इलाज हो सकेगा, और वो जैक को भी अपने साथ आने को कहती है। मगर जैक कहता है कि मैं वापस कैलिफोर्निया जाकर वही पुराने चूजों को अलग करने का काम नहीं कर सकता, मुझे जिंदगी में आगे बढ़ना है, कामयाब होना है, ताकि मेरे बच्चे कल को ये कह सके कि हमारे डैड एक सक्सेसफुल पर्सन है, ना कि एक नाकामयाब आदमी। और फिर जैक मोनिका को कहता है कि अगर तुम्हें जाना है तो तुम जा सकती हो, मगर मैं अपना काम अधूरा छोड़कर नहीं जाऊंगा, भले ही मैं इस काम में फेल भी क्यों ना हो जाऊं, पर मैं इसे पूरा करूंगा। जिसके बाद डॉक्टर दोनों पेरेंट्स को अंदर बुलाते हैं और वो दोनों को ये बताते हैं कि ये पता नहीं कैसे हुआ पर अब डेविड के दिल का सुराग खुद ब खुद भरने लगा है और वो पहले से भरते भरते काफी छोटा हो गया है। तो आप लोग जो भी कर रहे हो, जो भी लाइफस्टाइल है, उसे वैसे ही रहने दीजिएगा क्योंकि हमें नहीं पता कि किस चीज से ये सब हो रहा है, पर हकीकत यही है कि अब छेद भर रहा है। और ये बात सुनते ही जैक और मोनिका बहुत खुश हो जाते हैं। वैसे पिछले कुछ दिनों में बदलाव कुछ ही हुए थे, जिनमें से अहम नानी का बनाया मिनारी पौधे का काढ़ा था और साथ ही घर के पास ही नानी के लगाए मिनारी के पौधे भी थे जो पर्यावरण में शुद्ध और औषधीय युक्त हवा छोड़ रहे थे। तो हो सकता है कि शायद इसी वजह से डेविड के स्वास्थ्य में सुधार हुआ हो। और जिसके बाद जैक अपनी उगाई सब्जियों के सैंपल लेकर उसी शहर के बड़े डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, जहां उस डिस्ट्रीब्यूटर को सच में वो सब्जियां बहुत पसंद आ जाती है और वो कहता है कि इन सब्जियों की मार्केट में बहुत डिमांड है, इसलिए वो अगले ही हफ्ते वो सारी सब्जियां लाने के लिए भी कहता है। और अब डिस्ट्रीब्यूटर जैक की उगाई सारी सब्जियां आगे भी खरीदने को तैयार हो जाता है, जिसके बाद जैक और मोनिका उस डिस्ट्रीब्यूटर के वेयर से बाहर आ जाते हैं। मगर यहाँ पर एक बार फिर मोनिका और जैक के बीच में कहासुनी होने लगती है। दरअसल मोनिका चाहती है कि जैक उसके परिवार पर ध्यान दे, ना कि काम पर, क्योंकि वो परिवार को सबसे ऊपर मानती है। वहीं दूसरी तरफ जैक कहता है कि पैसा होगा तभी तो परिवार होगा, तभी हम सब खुश रह पाएंगे, और दोनों के मत एक दूसरे से बिल्कुल ही नहीं मिलते। और फिर मोनिका जैक को उसे डाइवोर्स देने के लिए तक कह देती है, जिसके बाद दोनों वहीं अलग होने का फैसला कर लेते हैं। और अब बच्चों की नानी यानी कि सूजा को दिखाया जाता है, जो जैक के स्टोर रूम की सफाई कर रही होती है। ये वही स्टोर रूम है जहाँ जैक के खेत की सारी सब्जियां जैक ने स्टोर करके रखी है, मगर कचरा जलाते समय कुछ जलता कचरा वहीं स्टोर में गिर जाता है, जिस वजह से पूरे स्टोर में आग पकड़ लेती है। और उसी वक्त मोनिका और जैक का भी घर वापस आना होता है और जैक अपना जलता स्टोर देखते ही आग में कूद पड़ता है और सब्जियों को बचाने की कोशिश करता है। और जैक को परेशानी में देखकर मोनिका भी स्टोर में चली जाती है और जैक की मदद करने लगती है, मगर उसी समय धुआं कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है और मोनिका भी बेहोश होकर वही स्टोर में ही गिर जाती है। जिसे गिरा देखकर जैक अपनी सब्जियों से ज्यादा महत्व अपनी पत्नी को देता है और मोनिका को उठाकर बाहर ले आता है और सब्जियों को जल जाने देता है। वहीं दूसरी ओर नानी, जिनके एक छोटी सी गलती की वजह से पूरा स्टोर जल गया था, वो भी अब उदास होकर घर से दूर जाने लगती है। मगर तभी उनके पीछे से डेविड और उसकी बहन एनी दौड़कर आते हैं और वो नानी को रोक लेते हैं और उन्हें पकड़कर वापस घर ले आते हैं। और फिर रात में पूरा परिवार एक साथ ही एक ही कमरे में सो जाते हैं, जो ये दर्शाता है कि भले ही कुछ भी हो गया हो, मगर अब पूरा परिवार वापस जुड़ गया है और एक साथ हो गया है और अब सभी लोग एक दूसरे की मन की बातों को समझने लगे हैं। डेविड जो अपनी नानी को पसंद नहीं करता था, वो अपनी नानी को पसंद करने लगा है और साथ ही नानी ने भी जो डेविड का ध्यान रखा, उसी वजह से अब वो स्वस्थ हो गया है और अब तो डेविड भागने भी लगा है। और दूसरी तरफ मोनिका और जैक भी इस हादसे के बाद एक दूसरे की मन की भावनाओं को बेहतर तरह से समझने लगे हैं। जहां मोनिका ने स्टोर जलता देखा तो वो जैक की मदद करने के लिए आग में कूद गई
और वहीं दूसरी तरफ जैक ने भी अपनी सब्जियां छोड़कर अपने परिवार यानी कि अपनी वाइफ को बचाया और सारी सब्जियां जल जाने दी। और अब ये सब कुछ जल चुका था, पर फिर भी एक अलग ही शांति और एक सुकून था क्योंकि अब पूरा परिवार साथ था। और फिर अगले दिन बताया जाता है कि जैक अब मीनारी के पौधे उगा रहा है और वो लोग अब फिर से ट्यूबवेल लगाने के लिए पानी ढूंढते हैं। और अब की बार मोनिका भी जैक के साथ खड़ी है और वो लोग फिर एक नई शुरुआत कर रहे हैं। पर अब की बार सब साथ साथ है और एक साथ मिलके ये नई शुरुआत कर रहे हैं। और यही ये फिल्म एक ब्रॉड मैसेज के साथ खत्म हो जाती है कि जब परिवार साथ खड़ा हो तो हर काम सफल होता है।